हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल कोमो ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं मेरे घर का नज़ारा, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं घर पे आ चुका हूँ। और मैं था दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, मैं गया था टूर पे और अभी फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ। और सुबह उठ भी गया हूँ मैं, फिलहाल थक गया था बहुत, तो आज थोड़ा लेट हो गया आज भी उठने में। मैं जैसे रोज का लेट होता हूँ, 8:30 बज चुका है, अभी सो के उठा हूँ मैं। तो अभी मैं जल्दी फटाक से नहा लेता हूँ और घर वाली भी बना रही है मेरे लिए आज ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल, तो वो है चिला। तो वो आपको बता दूंगा उसकी रेसिपी क्या है, वो कैसे बना रही है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। मैं फटाक से हूँ रेडी और फिर देखते हैं हम कि आगे आज कहाँ जाना है। उससे पहले हम चलेंगे अपनी रसोई की तरफ, जो आज मेरे कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बन रहा है। चलते हैं हम रसोई की तरफ। तो दोस्तों, आज ब्रेकफास्ट बन रहा है हमारे यहाँ दोबारा से चीला, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था। लेकिन अंतर यह है कि वो था बेसन का और यह है हमारा चावल के आटे का। तो ये कैसे बनता है ये मैं पहले बताता हूँ आपको, इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। इसके अंदर है वेज, मिक्स वेज जैसे सेम सुम हो गई, और प्याज हो गया, धनिया हो गया, लहसुन हो गया, और इसके बाद चावल का आटा हो गया। और चावल के आटे को सारी चीज़ों को पहले बार हाथ से गूंथ लेते हैं और फिर इसको पानी से इसके अकॉर्डिंग पानी डाल के उसमें मिला लेते हैं। और ये क्या हो गया कि रॉ मटेरियल के तैयार हो चुका है। अब ये बनेगा कैसे, अब देख सकते हैं गैस चल गई है, उसमें तवा हमने चढ़ा दिया है। तवा चढ़ाने के बाद इसमें हल्का सा लगता है घी, जैसे कि देख सकते हैं आप अभी घी निकल रहा है, देख सकते हैं आप घी निकल रहा है। और ये घी को इस तवे में क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो हम इस तवे को तवे में ऐसे करके पूरे अच्छे से लगाते हैं। तो ये सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, तवे में घी लगा दिया हमने ऐसे करके। तो अभी ये जो रॉ मटेरियल है इसको हम उसमें पतला पतला लेप डालेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये ऐसे करके डालते हैं। जब हम तवे में पहले घी से फैला लिया तवे में, और उसको हाथों से हल्के हल्के हाथों से इसको पूरे तवे में फैलाते हैं। ध्यान है कि ज़्यादा अगर आप हाथ हाथ लगा दोगे तो आपका हाथ जल भी सकता है तवे में। तो हल्का सा जो ऊपर मसाला है, जो रॉ है, उसी को हल्का सा उसको ग्राउंड में फैलाना पड़ता है। देख सकते हैं ये किस साइड से बनता है, कैसे बनता है। तो बहुत ये भी ईजी है और बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन खाने में उतना टेस्ट है। तो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप इसको बना सकते हैं। ये बनाने वाली हमारी वाइफ, आप देख सकते हैं, ये है हमारी स्पेशल शेफ, जो नए नए आइटम बना के मुझे खिलाते रहती है। तो ये मैं आपको आज चीला की रेसिपी बता रहा हूँ। आपके यहाँ अलग नाम से इसको जानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ से चीला बोलते हैं, तो मैं चीला ही बोल रहा हूँ। अब आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। तो इसको चारों तरफ से हल्की हल्की आँच देती हूँ, जिससे कि चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए, उसका फिर इसको पलट देना है। तो अभी ये पक रहा है, तो सब देख सकते हैं उसको सीखने, हल्का हल्का चारों तरफ से हल्का घिया लगाना है, ताकि उसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा जल्दी छूट जाए। और किसी प्लेन चम्मच की मदद से या करछुल बोल सकते हैं, उसकी मदद से इसको पलटना है। तो देख सकते हैं इसको पलटने का तरीका। और ये अभी क्या, एक साथ इसको ऐसे पलटी मार देंगे, तो आप देख सकते हैं ऊपर से हल्की सी घी की ये घी और लगा देनी है। तो हल्के आने पकाना है, जैसे देखिए ये ब्राउन हो गया, तो ऐसे ही चावल से ब्राउन हो गया। और फिर इसका जो खाने के लिए है रेडी। तो ये है हमारी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इजी डिश। और कुछ क्योंकि रोटी और पराठे डेली खाते खाते काफ़ी ऑयली हो जाते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। तो मैडम कच्चा ना रह जाए। हाँ मैडम, ये मैं बता रही हूँ, आप सुने क्या करना है मैडम, थोड़ा थोड़ा इनको साइड से प्रेस करते रहेंगे, ताकि ये कच्चे ना रह जाए। सिकाई करनी है, दबाना है। हाँ। ना? क्योंकि कच्चे रह जाएंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, कच्चे रहेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, सही बात। और कुछ इसमें कुछ बताना चाहेंगे आप मैडम? बस हो गया, ये बन गया। मतलब बन गया, जब करना है बनाना है तो चारों तरफ से तवा घुमा घुमा के सेकना है, तभी ये आपके खराब नहीं होंगे। Okay. क्योंकि बीच से सीख जाते हैं, साइड से सीख नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसे करोगे तो अच्छी भी बनेगी, टेस्टी भी बनेगी और सीखेंगे भी। तो ये हमारे घर वाले की रसोई, सरू की रसोई के नाम से मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा।
तो दोस्तों अभी मैं अपने साथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसी चैनल में एक लिंक और दूंगा आपको सरू के रसोई करके, ये आपको अलग अलग डिश देगी। स्पेशल से ये डिशेज आने मेरी स्पेशल सेफ है, ये मेरी वाइफ माई सेफ, माई वाइफ माई सेफ। पूरी तरफ से सीख गया है तो ये ज्यादा टेस्टी लगे कुरकुरा, बाकी नहीं तो बीच से सीख जाता है तो अच्छा नहीं आता टेस्ट, कच कच्चा होता लगता आटा। पूरा अगर ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैडम हमारी बता भी रही है आपको कैसे क्या करना है, तो आप बस यही है बाकी कुछ नहीं है इसमें, सीख सकते हैं इसको बनाना, काफी इजी है बनाने में। देखिए बन गया है, बस का ब्राउन हो गया चार तरफ से, और ये बन के इसमें रेडी हो चुका है। ये हमारे हैं बच्चा पाल्टी, जो उनसे मैंने कहा किताब पढ़ो तो एक किताब नहीं पढ़ रहे, बैठे टीवी देख रहे हैं। वो देखो बिना चश्मे के ये बेटा हमारा बोल रहा है कि जो मम्मी ने हमें आज डिश बनाई है, इस मम्मी ने जो आज डिश बनाई है उसको चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्टर्ब वो भी कर देना। अंजल बैठी अंदर। तो चलो दोस्तों फटाक से नहा लेता हूँ फिर मिलता हूँ मैं आपको। ये अंजल वानी बैठी हुई हमारी चुपचाप छुपके टीवी देखती रही, छुपके टीवी देखती है। तो दोस्तों चलो मैं फटाक से नहा लेता हूँ और नहा कर फिर मिलता हूँ आपको वापस से। तो दोस्तों फाइनली मैं नहा धो चुका हूँ रेडी, और अब जल्दी ब्रेक कर देते हैं ब्रेकफास्ट। तो जो ब्रेकफास्ट बनाया था चिले मैं वही खाऊंगा, देखते हैं उसका स्वाद कैसा है और दिखने में वो कैसे लगते हैं बनने के बाद। बनने से पहले मैंने आपको बताया था और आपको दिखाऊंगा बनने के बाद। देख सकते हैं आप चिले, ये देख सकते हैं आप बनने के बाद ही इसमें ऐसा कलर आया है, ये देखिए बिल्कुल ऑमलेट होता है जो ऑमलेट की तरह से फ्लेवर आता है बनने के बाद, ऐसा लगता है ऑमलेट खा रहे हैं लेकिन होता है ऑमलेट नहीं है, होता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद ही। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी डिश। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।